रोयलखंड के कद्दावर समाजवादी नेता एवं पूर्व विधायक सिनोज साक्य ने समाजवादी पार्टी को जोर का झटका दिया है। सपा ने सिनोज साक्य को बदायूं एमएलसी सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। नामांकन के बाद जब चुनाव होने की तैयारी थी तो ऐन वक्त पर सिनोज साक्य ने अपना नाम वापस ले लिया। खबरची न्यूज के साथ बातचीत में सिनोज साक्य ने तमाम तरह के आरोप समाजवादी पार्टी संगठन और उसके हाईकमान पर लगाए हैं। सिनोज ने कहा है कि उनके साथ छल किया जा रहा था, पार्टी के लोग ही उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष में चुनाव हरा चुके थे और अब उनको एमएलसी चुनाव में भी भीतरघात करके हराने की साजिश की जा रही थी। खबरची न्यूज के साथ उन्होंने विस्तार से बातचीत की है। उनके राजनीतिक भविष्य और इस तरह के फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी में जल्दी शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह का संकेत भी दिया है। आप भी सुनिए क्या उन्होंने कहा और किस तरह का संदेश अब वह देना चाह रहे हैं। अब आपको प्रत्याशी से घोषित किया एमएलसी चुनाव में, अचानक आपने नाम वापस लिया, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की और क्या अपना राजनीतिक भविष्य आप देख रहे हैं? राजनीतिक भविष्य तो अब ये तो राजनीतिक भविष्य तो अब आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके लिए तो बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। जी, अगर मेरे साथ सबसे बुरा हो सकता था जी वो हुआ, जी, अगर मैंने उसको भी दरकिनार करके को पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाया, एमएलए का चुनाव लड़ाया, बिल्कुल सही, मेरा टिकट कटा, मैं जिला पंचायत लड़ा विपक्ष में, उसके बाद मेरा टिकट कटा, टिकट कटने के बाद उसका नाम क्या है, पूरे सबके साथ मैंने चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़ाने के बाद जी सीटों पर वोट बढ़ाया जी, सीटों पर आज तक समाजवादी को कभी इतना वोट मिला ही नहीं। वो पूरा आपका प्रभाव था पूरे जिले के, एक सुर में सभी आपके समाज के लोग आपको नेता मानते हैं। ये इस गलतफहमी में हो गए कि ये नहीं, ये तो हमारा अपना वोट था, तो ये इनकी गलतफहमियां थोड़ी सी हो गई, जीतने कुछ जीते और कुछ वोट पड़ा इस वजह से भी। अच्छा, इन्होंने मुझे टिकट दिया। अभी राजनीतिक हलकों में एक बात इस तरह की हो रही है, समाजवादी पार्टी में सिनोज साक्य जी को जहाँ घाटे का स्थिति होती थी वहाँ आपको आगे किया जा रहा था और जब फायदे की बात होती तो दूसरे लोगों को आगे किया जा रहा था, क्या यही बात थी? वहाँ पे चार यादवों को टिकट दे दिए गए जी। मैंने समझाया, मैंने कहा जहाँ भारतीय जनता पार्टी वो मौर्यों को और एक एमपी को जिले में लड़ा रही है जी, आप सिर्फ को टिकट नहीं देते, एक हाँ। आप अपने गठबंधन को टिकट देते हैं, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, और हम लोगों ने मेहनत करके लोगों को खड़ा किया, अपनी तरफ कराया है, खड़ा कराया है, जो कभी समाजवादी को वोट देना नहीं चाहते थे आज वो तैयार है। जी, उनको बहुत बड़ा इससे परेशानी होगी और हम लोग नुकसान उठा जाएंगे, बड़ा नुकसान हुआ इन सब चीजों का। हाँ, नुकसान हुआ, मगर इन सब चीजों का इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, जहाँ हम 5 सीटें जीत सकते थे आराम से। तीन पर संतुष्ट होना पड़ा और संतुष्ट तब जब हमने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाया तब। अच्छा भाई साहब, अब एक बात कही जा रही है कि अब आप जिस तरह से आपने फैसला लिया है उसमें आप सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और वहाँ आपका सुरक्षित होने की बात सामने आ रही है, आपका कहीं ना कहीं ऐसा लिंकअप की बात, क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं शामिल होता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी में मैं बिल्कुल काम करूंगा। और दूसरी बात यह कि मैं बहुत ज्यादा इच्छाएं लेकर यहाँ पे आया था ना वहाँ पे आया था, वो मेरा हक था, मेरी चीज थी और मेरा हक ऐसे नहीं था, लोगों की चाहत थी, चाहे वो किसी बिरादरी के हो, वो चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ू, इसलिए मुझे मिलना चाहिए था, तब मुझे वहाँ नहीं मिला। मेरी ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं एक रूप में काम मिलेगा और सब कुछ ईमानदारी। तो वैसे क्या माना जा सकता है आप बहुत निकट भविष्य में आप जो भगवा कैंप में खड़े नजर आएंगे? बड़ी बात नहीं, क्या अभी तक पार्टी लाइन से हटके भाजपा के कमान ने आप किसी लीडर ने आपसे संपर्क किया है क्या इस संबंध में? संपर्क वो नाम क्या है जी, जब उन्हें नहीं मिलाया हमसे जी, भी उन्होंने मुझे कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाँ। कि आप आ जाइए, हम आपको कंसीडर कराते हैं
जी, मगर हम निष्ठा और ईमानदारी के तो वैसे इसकी अब इसकी घोषणा हम लोग घोषणा के लिए कब तक का इंतजार करना होगा आज को और पूरे जब हाई कमान का निर्देश होगा। फिलहाल आप भाजपा के संपर्क में? हाँ, ये आप मान भी सकते हैं, मैं भाजपा के संपर्क में हूँ, मगर जिला पंचायत का विपरीत परिस्थितियों में सत्ता के सामने हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बिल्कुल भाई, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही वो चुनाव हराया। जी जी जी। और हाँ, अगर वो लोग गद्दारी ना, मतलब वो लोग अगर धोखा नहीं देते तो हम चुनाव जीतते हैं। विपरीत हालात में भी चुनाव जीत के दिखाते हैं। हाँ, चुनाव जीते इस बात की खबर जी आला कमान तक को दी थी। जी 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 जी। और ये चुनाव में भी वैसे ही हालात बन रहे थे। एक अभी तत्कालिक विधायक के काउंटिंग आरओ के टेबल का जो आरओ टेबल होती है, हाँ हाँ, तो टेबल पे एक महत्वपूर्ण एजेंट होता है जो सारे कैलकुलेट करता है। हाँ, बिल्कुल। एक वो आरओ टेबल का सदस्य जो वहाँ पे एजेंट था आरओ टेबल का, वो जी समाजवादी के एक जी 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 एजेंट होने के बावजूद हाँ वो बागीश पाठक का प्रस्तावक बना। क्या वो भाजपा क्या सपा के विधायक थे कोई? जी जी, जो विधायक समाजवादी के नए नए जीते हैं, हाँ, उनका आरओ टेबल का एजेंट। हाँ, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैं समझ गया, जो हमारे विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे बागीश पाठक। जी 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 जी, उसका नाम क्या है, प्रस्तावक बना। ऐसे कई प्रमाण थे कि मतलब ये अंदरूनी मूलतः समाजवादी आपको हराने के लिए आपको काम किया जा रहा था। हाँ, हराने के लिए पूरा षड्यंत्र, ये फिर दोबारा वैसी ही स्थिति पैदा करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव लड़ा जा सकता था? हाँ, ये नहीं चाहते जी कोई गैर यादव बदायूं जनपद में राजनीति करे। जी 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 जी। या वो ताकत कोई इनसे बड़ी ताकत उभरे वहाँ पर। जी 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 जी। इसलिए ये लोग पचा नहीं पा रहे थे।